नमस्कार दोस्तों, आइकिया फर्नीचर सीरीज़ में एक और वीडियो लेकर आ गया हूं मैं आपके सामने। ये जो आप देख रहे हैं ये है LAC के लैक का सेंटर टेबल, कॉफ़ी टेबल, वाइट स्टेंड ओक इफेक्ट, 90x55 सेंटीमीटर। तो अभी हम करेंगे इसकी अनपैकिंग और असेंबली। पैकेट खोलते ही हमें मिलता है उसमें इंस्ट्रक्शन एंड असेंबली मैनुअल, अपर पैनल, लोअर पैनल, फोर लेग्स और उसके साथ असेंबली में लगने वाले स्क्रूज, नट्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में आप देख सकते हैं कि टोटल 8 स्टेप्स में इसकी असेंबली आप कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इसकी असेंबली करके आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस पैकेट को कट करके इसके अंदर मिलने वाले स्क्रूज़ को एक जगह अलग से रख लेता हूँ। और अब यहाँ पर सबसे पहले हम चारों लेग्स को अलग कर लेंगे और इन चारों लेग्स में दोनों तरफ आप देख सकते हैं एक एक होल बना हुआ है। तो एक तरफ जो होल है वो बेस प्लेट को लगाने के लिए है और दूसरी तरफ का जो होल है वो टेबल में स्क्रू के साथ फिट होगा। तो पैकेट में आपको इस तरीके के 4 ऐसे पैड्स मिले हैं। तो इन चारों पैड्स को चारों लेग में ऐसा लगाकर और उसे हल्का से ऊपर से प्रेस कर दें। ये प्रेस होने पर थोड़ा हल्का घुमा के उसको डायरेक्शन दे दें और जैसे ही आप उसको थोड़ा हल्का टैप करेंगे तो वो आराम से अंदर चला जाएगा। तो ऐसा आपको चारों लेग्स में ये प्लास्टिक के पैड्स लगा देने हैं सबसे पहले। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो वहाँ से एक स्टड बोल्ट लेके आपको टॉप पैनल में चारों होल में थोड़ा थोड़ा घुमाकर बस उसे एक लोकेशन देके छोड़ देना है, उसमें अटका कर छोड़ देना है। और उसके बाद आपको सेल्फ टैपिंग स्टड टाइप का है ये, आपको जस्ट लेग्स को लेके उसके ऊपर ऐसा गोल गोल घुमाना है। तो उससे क्या होगा कि पहले वो स्टड आपके लेग के अंदर जाएगा और लेग के अंदर जब पूरी तरीके से चला जाएगा फिर उसके बाद वो टेबल के अंदर जाने लग जाएगा। तो ऐसा आप बस अपने हैंड मोमेंट से ही इसको पूरी तरीके से टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, हल्का प्रेशर लगाना है, हैंड प्रेशर लगाना है जहाँ पर आपको फील हो कि हाँ अब यहाँ पर अच्छा खासा टाइट हो गया है और ये अलाइन हो गया हो। अब बारी आती है लोअर पैनल को फिक्स करने की। तो लोअर पैनल को फिक्स करने के लिए यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का मार्किंग फिक्सचर मिला है। तो इस मार्किंग फिक्सचर को आप नीचे की तरफ से कॉर्नर की तरफ से ऐसा फंसा दें और वहाँ पे पेंसिल से एक मार्क बना लीजिए, देखिए एक डॉट जो मैंने यहाँ बनाया है। और ये चारों ही लेग्स पर आप अंदर की तरफ जहाँ पर आपको लोअर पैनल लगाना है अंदर की तरफ वो डॉट्स लगा ले, चारों लेग्स पे मार्किंग कर ले। अब उसी मार्क के ऊपर एक दिए गए किसी भी स्क्रू को लेकर उस मार्क के ऊपर हल्का एक छिद्र बना दें, छोटा छिद्र बना दें। फिर यही छेद आपके स्क्रू को कसने में आपकी मदद करेगा। और इन्हीं छिद्रों में आपको लगाना है सेल्फ राइट एंगल फिक्सिंग क्लिप ब्रैकेट जो कि आपको साथ में मिला हुआ है। तो इन सेल्फ होल्डिंग ब्रैकेट्स को इन चारों को इनकी चारों के निश्चित जगह पर लगा देता हूं। तो इसका जो पैनल मटेरियल है वो पार्टिकल बोर्ड है और लेग भी जो बना हुआ है वो भी पार्टिकल बोर्ड या फाइबर बोर्ड बोल सकते हैं आप, पेपर फॉयल भी इसको बोल सकते हैं। इस स्टेप में आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको बड़ा वाला स्क्रू डालना है, इसमें छोटा वाला स्क्रू जो है वो सेल्फ के अंदर जाएगा। तो आप ध्यान से बड़ा वाला स्क्रू ही डालें इसके लेग में। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं छोटे वाले स्क्रू को सेल्फ में डाल रहा हूँ नीचे की तरफ से। ये देखिए मैंने दोनों ही स्क्रूज जो है टाइट कर दिया है, एक लेग में और एक सेल्फ में। और अभी हमारा टेबल जो है वो उल्टा रखा हुआ है तो चारों ही कोनों में मैंने इसे टाइट कर दिया है अच्छे से, आप देख सकते हैं। असेंबली के टाइम पे आप डायरेक्शन का ख्याल बिल्कुल रखें, फिर ऐसा ना हो जाए कि ऊपर का नीचे लगा दिया और नीचे का ऊपर लगा दिया, उल्टा पुल्टा लगा दिया। तो इसलिए आप पहले ही ध्यान से अपना दिमाग लगा कर सकते हैं। और अब एक बार फाइनली सारे स्क्रूज़ को आप चेक कर लें और उसे फुल टाइट कर दें और टेबल को सीधा कर लें। अब आपका टेबल जो है वो असेंबल हो चुका है। अब इस टेबल की एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका टॉप पैनल है वो 100% रिसाइकिल्ड पेपर से बना हुआ है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग फाइबर बोर्ड बोलते हैं और ये एक्रेलिक पेंट इसके ऊपर एम्बॉस किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है। आइकिया में ये आपको 3 कलर ऑप्शन में मिल जाता है, ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट और व्हाइट स्टैंड ओक इफेक्ट। MRP 2700 की है, मुझे याद नहीं, बट इसे मैंने खरीदा है 1990 का। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।